हेलो वीवर, दिस इज मनिका, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो वीवर, जैसे कि आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नए बिजनेस आइडियाज़, सो आज की जो मेरी वीडियो आने वाली है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आने वाली है। ये वीडियो में आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है कैसे आप बचा सकते हो, उसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन दे गई शोरे जी। कैसे हो सर आप? वो बढ़िया सर। हमारी कंपनी का नाम है ग्लोरे सोलर। हमारी कंपनी है जो वो मार्केट के अंदर 2005 से है, और 2005 से हम लोगों को हैवी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल से जो परेशान है उनको हम राहत दिलाते हैं। अब ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। सो व्यूअर, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मेक श्योर आपने बेल बटन प्रेस किया हो ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल सके। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारी जो कंपनी है वो स्मार्ट सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, जिससे क्या होता है आपका बिजली का बिल है जो 80-90% कम हो जाता है। ये वर्क कैसे करता है आइए मैं बता देता हूँ आपको। अब पहले तो हम स्ट्रक्चर लगाएंगे पूरा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ये स्ट्रक्चर फुल्ली गैल्वनाइज्ड है, ये प्रॉपर गैल्वनाइज करके लगाया गया ताकि प्लांट आपके लाइफ है वो बनी रहे। और साथ में ये सोलर पैनल्स लगते हैं जो जब भी इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ये होती है डीसी करंट, तभी हमने स्पेशल इन्वर्टर लगाया होता है। वो क्या करता है, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि हमारे घर पे एसी करंट की सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है। और उसके साथ क्या होता है कि जैसे आपने जब आपका डीसी करंट इन्वर्टर में गया, एसी करंट बनाया, उसके बाद सप्लाई जाती है आपके होम अप्लायंसेस में। अब ये कैसे होएगा, मान लो एक दिन में अगर इसने 50 यूनिट बनाए, आपको घर में चाहिए थे 30 यूनिट, 30 यूनिट तो आपने सोलर से ले लिए, जो बाकी 20 यूनिट बच गए वो ऑन ग्रिड गवर्नमेंट को सप्लाई हो जाएंगे। ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। और मान लो अगले दिन ही इसने बनाए 40 यूनिट पर आपको चाहिए थे 50 यूनिट, 40 यूनिट तो सोलर से आपने कंज्यूम कर लिए, पर 10 यूनिट जो आपको और चाहिए वो ऑन ग्रिड गवर्नमेंट से आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जितना आपको, अगर आपका कम पड़ा तो गवर्नमेंट से आ जाएंगे, अगर ज़्यादा हुआ तो आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर दोगे। और यहाँ पे नेट मीटर लगेगा जो 2-फेस मीटर रिकॉर्ड करता है। मान लो कि जितने आपने गवर्नमेंट को दिया यूनिट वो भी रिकॉर्ड करेगा, जितने आपने यूनिट गवर्नमेंट से लिया वो भी रिकॉर्ड करेगा, फिर दोनों को माइनस करके जो नेट होएगा उतना आपको बिल आएगा। इसीलिए आपका बिजली का बिल कम हो जाता है क्योंकि आप गवर्नमेंट को भी दे रहे हो। इस बार इन्वर्ट आउटपुट दोनों होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। मान लीजिए शौर्य जी, जैसे कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हम करते हैं, हमारी कंजप्शन बहुत कम है, तो ये जा रहे हैं ऑन ग्रिड जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, मेरे को रिफंड करा आता है या क्या होता है? नहीं, कंजप्शन कम होता है तो आप उसके बाद यूनिट्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। मान लो आप रात को तो सोलर नहीं काम करेगा क्योंकि ऑब्वियसली धूप नहीं है, तो रात को आप गवर्नमेंट से ले सकते हो, वही जो आपने दिन में एक्स्ट्रा दिए होंगे वही रात को आपके पास वापस आ जाएंगे, तो आपका जो नेट मीटर रहेगा वो जीरो हो जाएगा, ना आपका बिल आएगा ना जाएगा। तो व्यूअर, अभी आपको ये दिखाते हैं थोड़ा ये वर्क कैसे करते हैं। तो शोरे जी, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को बताइए थोड़ा वर्क कैसे करते हैं जो हमने यहाँ पे प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है। सो व्यूअर, जैसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि ये कैसे काम करते हैं, तो भैया ये क्या है, कौन सी यूनिट? सोलर एच का इन्वर्टर है। सोलर एच इसराइल की कंपनी है, उसके साथ हमारा टाई अप है, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी, हम नेट पे चेक कर लेना सोलर एच, उसके साथ हमारा टाई अप है। अरे, पैनल काम कैसे करते हैं? हमारे पैनल जब भी हम लगाते हैं, जब भी हम पैनल इंस्टॉल वगैरह करते हैं, तो हम 20 पैनल की एक स्ट्रिंग बनाते हैं। इसका मतलब 20 के 20 पैनल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो अगर एक भी पैनल उस स्ट्रिंग का खराब हो जाए तो पूरी स्ट्रिंग की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है क्योंकि सारे पैनल इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। पर इसके अंदर स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं। वो कैसे, इसके अंदर हर एक दो पैनल्स के साथ एक ऑप्टिमाइजर लगता है। वो उससे क्या होता है, आपको सिंगल पैनल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग आपके फोन में शो होती है कि सिंगल पैनल ने कितने वॉट का प्रोडक्शन दी है। अगर एक भी पैनल खराब हुआ, आपके फोन में ऑटोमेटिक अलर्ट जाएगा कि ये पैनल इस नंबर पे खराब है, और पैनल की 25 साल की वारंटी होती है, उसी टाइम रिप्लेस करके देंगे, ये हमारी गारंटी है। और इसके अंदर क्या होता है, मान लो एक पैनल के ऊपर शेडो वगैरह भी डल गई या कुछ हो गया, पर ये जो इन्वर्टर है वो मैक्सिमम वैल्यू उठाता है, बाकी जितने भी इन्वर्टर है ना वो सारे मिनिमम वैल्यू उठाते हैं। अगर एक पैनल की सबसे लोएस्ट दिखा रहा है 230 वाट प्रोडक्शन हो रही है, भावे बाकी पैनल्स की ज्यादा भी हो रही हो, पर उस इन्वर्टर ने सबकी कम कर दी है 230 पे, ठीक है, पर ये मैक्सिमम उठाता है। अगर एक पैनल 400 वाट बना रहा है, बाकी उससे कम भी बना रहे हैं, पर सबकी इसने 400 वाट उठानी है, ठीक है, जो इससे प्रोडक्शन रेट है वो ऑटोमेटिकली फिर डबल हो जाती है। इसका इससे बहुत बेनिफिट होता है। अभी जो आपके इन्वर्टर है ये इनका साइज क्या रहता है, किलो वाट के अकॉर्डिंग मिनिमम कितना और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? ये सर 5 किलो वाट से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जितना मर्जी, जितना आपका प्लांट है उसके अकॉर्डिंग लगता ही रहता है, 5 किलो वाट, 10 किलो वाट,
15 किलोवाट जितना भी आपका बड़ा प्लांट है। एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितना आपका सेंशन लोड रहेगा उससे 80% ही हम लगा सकते हैं। मान लो अगर आपका 12 किलोवाट सेंशन लोड है तो हम 10 किलोवाट का लगा सकते हैं, तभी आपका जो बिजली का बिल है 80-90% कम होएगा, क्योंकि हमने 80% का लगा दिया। उसके बाद जो सिर्फ 2 किलोवाट रहेगा उसका ही बिल है ना आपको। ठीक है, तो चलिए भी और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, तो आइए मेरे साथ। ये है ऑप्टिमाइजर्स, यही ऑप्टिमाइजर है जिनकी बात कर रहा था। सोलर एच के साथ ये ऑप्टिमाइजर लगते हैं, इसकी भी 25 साल की वारंटी होती है। ये ऑप्टिमाइजर हर एक 2 पैनल के साथ एक ऑप्टिमाइजर लगता है। तो ये भी आप देख सकते हो, हर मतलब 2 पैनल के साथ जैसे कि ऑप्टिमाइजर बताया कि वैसे वो लगा हुआ है। ये भैया अप्रोक्स कितने हैं, किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है यहाँ? ये 24 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है। हमारे इधर भी पैनल लगे हैं, उधर भी लगे हैं, हमारे नीचे भी लगे हुए हैं पैनल। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ऑप्टिमाइजर सभी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो भैया जो आपके ऑप्टिमाइजर है ये लगाने मैंडेट नहीं है, इसके बिना भी प्लांट नहीं, उसके साथ उसके बिना भी लग जाता है, पर वो सोलर एच कंपनी के साथ नहीं आता। एक्चुअली क्या होता है, सोलर एच के साथ आपको बेनिफिट तो बहुत होते हैं पर उसके साथ थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर कोई कॉस्टिंग में लो भी जाना चाहता हो तो हम बिना सोलर एच के डेल्टा सोलिस के भी लगा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि प्राइसिंग इसमें हाई हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली इजराइल की कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, तो प्राइस भी थोड़ी होएगा, इनकी मोनोपोली है। सो व्यूअर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैनल्स इंस्टॉल हैं, जैसे कि भैया ने बताया यहाँ पे 24 किलोवाट्स का भी प्लांट इंस्टॉल है। हाँ, पूरा 24 किलोवाट्स का प्लांट इंस्टॉल है। तो भैया जैसे कि ये प्लांट इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए कोई स्पेशल मतलब कि रूफ वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल रूफ पे हो जाता है इंस्टॉल? नहीं, नॉर्मल रूफ होता है, बस थोड़ी स्पेस अवेलेबल हो। थोड़ी स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए ना, क्योंकि आप मान लो 1 किलोवाट लगाने के लिए नियर अबाउट 80 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है, और जितना आपका सेंशन लोड होता है उससे अकॉर्डिंग 80% हम लगाएंगे। तो आपको उतना देखना पड़ेगा कि कितनी जगह है हमारे पास, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लगा पाएंगे। तो व्यूअर आप देख सकते हैं यहाँ पे पैनल्स इंस्टॉल है। तो भैया जो आपका पैनल है ये पर पैनल कितना अप्रोक्स लगाने पड़ते हैं, 1 किलोवाट में कितने पैनल्स लगते हैं अप्रोक्स? ये एक्चुअली जो सिंगल पैनल है ना, ये है पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स के पैनल है, ठीक है, और ये आपको 340 वाट का एक पैनल लगता है। तो हम मान लो नियर अबाउट 3 पैनल लगते हैं 1 किलोवाट के अंदर। ओके, और इस पैनल जो आप देख रहे हो इसकी 25 साल की वारंटी होती है, 25 साल की। अगर 25 साल की हम वारंटी दे रहे हैं, परफॉर्मेंस वारंटी है 25 साल की, और हम 1 साल का इंश्योरेंस भी आपको फ्री कवर करके देते हैं। अगर उसके बाद भी आपने इंश्योरेंस वगैरह कवर कराना भी है तो वो भी आपको 800 या 1000 रुपये साल में हो जाएगा, बहुत सस्ता है। इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली पैनल्स की परफॉर्मेंस वारंटी होती है 25 साल की, पर अगर फिजिकल डैमेज की बात करें, अगर वो हो गया वो वारंटी के अंदर कवर नहीं होता। वैसे तो इसके ऊपर अगर 80 किलो का भी बच्चा बंदा चढ़ जाए कोई तो भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इनफैक्ट कि जो हमारे टेक्नीशियन आके लगा के जाते हैं वो भी इसके ऊपर चढ़ के ही लगाते हैं, ऑब्वियसली वो जो पैनल लगे हैं सारे इनके ऊपर चढ़ के ही लगे हैं। पर एक्चुअली कोई अगर हथौड़ा वगैरह जोर के मारेगा, ईंट वगैरह जोर के मारेगा, तो फिजिकली डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम इंश्योरेंस भी कवर करके देते हैं 1 साल की, और साथ में हमारी 2 साल की मेंटेनेंस सर्विस भी पूरी फ्री है, 100% फ्री रहते हैं। ठीक है, तो भैया जैसे कि अभी तो समर चल रहे हैं तो धूप प्रॉपर रहती है, सनी डेज होते हैं, बट इनके सब भी नेक्स्ट जैसे रेनी सीजन आ जाएगा, विंटर सीजन आ जाएंगे, तो प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? हाँ, प्रोडक्शन होती है। मैं बताता हूँ, हमने ना एवरेज कैलकुलेट की हुई है, मान लो 1 साल के अंदर, क्योंकि सनी डे भी है, ठीक है, विंडी डे भी है सारे, कोई धुंध भी होएगी या कभी गर्मी ज़्यादा भी होएगी, तो हमने एवरेज कैलकुलेट किया 4 यूनिट पर डे, वो होती है सोलर एच के बिना। अगर सोलर एच का ना प्लांट लगे तो हम कहते हैं 4 यूनिट आएगी पर डे, पर वो सच्ची बताऊँ तो बोलने को 4 यूनिट है, आपकी आएगी नहीं 4 यूनिट, सारे झूठ बोलते हैं, 3.5 यूनिट आती है। पर सोलर एच के साथ बोलते 4.5 हैं, आती फिर भी 5 ही आएगी आपको, 5 यूनिट आएंगी दिन की, पावे धूप हो पावे सर्दी हो, मिला के एवरेज आपको 4.5-5 आएगी ही आएगी सोलर एच के अंदर। सर एक्चुअली क्या होता है, अब आपने ऑप्टिमाइजर देखा, ठीक है, हर एक 2 पैनल के साथ एक ऑप्टिमाइजर लगने हैं, वो एक कल्ला ऑप्टिमाइजर ही 5000 का है, और इन्वर्टर भी उसका 40-50 हज़ार महंगा है। तो ऑब्वियसली आप सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, 1-2 लाख तो आराम से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। पर उस दूसरे केस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ जाती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, आपका बेनिफिट डबल हो रहा है सीधा, और आपको कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर 1 पैनल भी खराब हो गया आपका, कोई हो गया, तो बार बार कौन खोल के चेक करेगा आपकी पूरी साल, मतलब मान लो अगर आपका वो वाला पैनल खराब है और हम यहाँ से स्टार्ट करें हर रोज खोल के चेक करने में, तो उसकी बारी आते आते 6 महीने लग जाएगी, और 6 महीने तक आपका प्लांट बंद रहेगा। पर यही अगर आपने सोलर एच लगाया होता तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक अलर्ट चले आता कि ये पैनल इस जगह ख़राब हुआ है, और उसी टाइम आके हम रिप्लेस कर देते, क्योंकि 25 साल की वारंटी होती है पैनल्स की।
और साथ में जो बाकी इन्वर्टर होते हैं ना, डेल्टा, सोलिस या जितने भी नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं, उन सबकी वारंटी 5 साल होती है सिर्फ, और सोलर एच के इन्वर्टर की वारंटी होती है 12 साल की। ठीक है भैया। और भैया जो अगर किसी ने प्लांट लगवाना हो तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट परमिशन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है? बहुत बहुत परमिशन वगैरह, सोलर मीटर के लिए भी परमिशन चाहिए होती है, लाइजनिंग करवानी पड़ती है, बहुत कुछ करवाना पड़ता है, पर वो सारी सिरदर्दी हमारी है। ए टू जेड आपने हमें प्लांट देना है, उसके बाद सारी हमारी जिम्मेवारी है। बाकी कंपनीज क्या करती हैं, ठीक है, एक तो पहले पहले 6-7 महीने उनका प्लांट लगता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके परमिशन नहीं मिलती। तो पर हम, हमारा टाई अप है गवर्नमेंट के साथ भी, हमें परमिशन आसानी से मिल जाती है। हम PSPCL के साथ भी हम अंडर रजिस्टर्ड हैं, तो हमें परमिशन बहुत आसानी से मिल जाती है। और जैसे आपने हमें प्लांट दे दिया, उसके बाद हमारी सिरदर्दी है ए टू जेड, लाइजनिंग से लेके आपके पेपर वर्क तक सारा कुछ हमने करके देना है। बाकी कंपनीज कहेंगे कि यार सोलर मीटर का ये करवा दो, सोलर मीटर की परमिशन ले दो, पर वो सारी हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको कुछ नहीं सिरदर्दी देंगे, वो सारी हमारी कॉस्ट है, सारा हम करके देंगे। ये जैसे कि आपने सोलर प्लांट तो है, तो ये कोई स्पेशल बिल्डिंग्स पे लगता है या किसी भी टाइप की बिल्डिंग पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे रेजिडेंशियल होगी, कमर्शियल बिल्डिंग्स होगी, फैक्ट्रीज होगी, कहीं पे लगा सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की बिल्डिंग्स पे लगता है? ये रेजिडेंशियल में भी लग जाता है स्पेसिफिक, ये डोमेस्टिक पे भी लग जाता है, ये मान लो ये कोई फैक्ट्री में भी लग जाता है। डोमेस्टिक की तो बातें बहुत होगी, अब मैं फैक्ट्रीज की एडवांटेज बताता हूँ। फैक्ट्रीज के अंदर मान लो कि पूरी इन्वेस्टमेंट हुई होती है, ठीक है, मशीन वगैरह सारी खरीदी होती है, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होती, सिर्फ एक बिजली का बिल आता है, उनकी कॉस्टिंग होती है 10 लाख 20 लाख 30 लाख। फैक्ट्रीज के अंदर कॉस्ट सिर्फ बिल की होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की। पर अगर सोलर पैनल भी लगवा लें तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉस्टिंग भी खत्म हो जाएगी, और वो भी उनके प्रॉफिट में चली जाएगी। मान लो उनका 10 लाख 20 हज़ार बिल आ रहा है, 10 लाख 20 लाख बिल आ रहा है, तो वो सिर्फ 50,000 या 1 लाख रह जाएगा। तो सोचो कितना बेनिफिट होएगा फैक्ट्रीज वालों को भी ये लगवाने से। ये ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, इसके अंदर बैटरीज भी नहीं लगती बिल्कुल, क्योंकि बैटरीज में क्या होता है, ऑफ ग्रिड के अंदर क्या होता है, मान लो आपने बैटरीज के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वो बैटरीज आपको हर एक 2-3 साल बाद रिप्लेस करानी पड़ेगी। मान लो आपने 4-5 लाख रुपये बैटरी से फूंक दिया, वो 3 साल बाद आप 4-5 लाख फिर बैटरीज पे लगाओगे, फिर आपके बिजली के बिल से जो बचत हो रही है वही आप बैटरीज पे लगा रहे हो, आपका फायदा तो कोई नहीं हुआ। मान लो आपने पैनल इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, उसके बाद 3 से लेकर 4 साल के अंदर ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं, और उसके बाद तो आपकी पूरी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 3 से 4 साल के अंदर पैसे सारे आपके इन्वेस्ट किए हुए वापस आ जाते हैं आपके पास, बाकी 25 साल की तो वारंटी है इसकी। ठीक है, तो भैया जो आपने ये किया हुआ, ये क्या सिस्टम किया हुआ है नीचे से पत्ती लगाई हुई है? देखो जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये एल्युमिनियम की लगती है या गैल्वेनाइज लगती है, ये अर्थिंग होती है। मान लो खुदा ना खास्ता अगर कभी यहाँ पे बिजली वगैरह भी गिर जाए सोलर पैनल के ऊपर, तो आपके घर को, आपके होम अप्लायंस को, आपके सोलर प्लांट को कुछ नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली हमने इसको अर्थिंग की हुई है। और ये 3 अर्थिंग होती है, एक अर्थिंग होती है आपकी इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होती है, एक पैनल के साथ होती है, एक स्ट्रक्चर के साथ होती है। ये डायरेक्टली आप सप्लाई नीचे जाके बिल्कुल ग्राउंड में दी हुई है, ताकि जो करंट आपका अगर इस पे आएगा तो डायरेक्टली अर्थ में पास हो जाएगा, और जिससे आपका प्लांट फुल्ली सिक्योर रहेगा। अर्थिंग एरिया इसके अंदर क्या होता है कि अगर कभी भी बिजली अगर बाई चांस गिर जाए, खुदा ना खास्ता अगर कभी भी बिजली गिरे, तो सबसे पहले इसके ऊपर गिरेगी, और ये इसके साथ अर्थिंग की हुई है बिल्कुल अर्थ के अंदर, और सारी ये जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होएगा सारी अर्थ के अंदर सेंड कर देगा। ये हमारे प्लांट्स हैं, बहुत जगह लगे हुए हैं, नियर अबाउट लुधियाना के अंदर 100 से ऊपर हमने प्लांट इंस्टॉल किए हुए हैं अभी। और मान लो मैं आपको बता देता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। वर्ल्ड वाइड फैक्ट्री के अंदर हमारा 200 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, GGN कॉलेज में 130 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, देवकी देवी जैन कॉलेज में 100 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, डंडी स्वामी मंदिर तो सबको पता ही होगा, डंडी स्वामी मंदिर के अंदर भी हमारा 30 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। और नियर अबाउट ये तो कुछ के नाम बताए मैंने, 100 से ऊपर प्लांट्स हमने सिर्फ लुधियाना के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं, क्योंकि आपको बताया मैंने 2005 से हमारी ग्लो रे सोलर कंपनी 2005 से काम कर रही है, और ऐसे भी नहीं कि बाकी कंपनियों की तरह, ठीक है, हम लगा के भूल जाएंगे कि एक बार आपका सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, उसके बाद भूल गए जी, आया ही नहीं जी, कभी आया ही नहीं, देखा ही नहीं, ऐसा नहीं होएगा। आपको एक फ़ोन करोगे साथ में ही हमारा लड़का आपके घर पे जाएगा कि क्या दिक्कत होगी सर, कोई बात है, पूरी सर्विस देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरी सर्विस जैसा भी बोलोगे, एक फ़ोन कॉल पर, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर हमारा लड़का आ जाएगा, कोई सर्विस की तो चिंता ही मत करना। हमारे इतने प्लांट्स लगे हुए हैं, डंडी स्वामी मंदिर भी जाके देखा ना पाएँ, किसी से भी पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
सो व्यूअर, ये थी आज की, मैंने जो आपको बताया था कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की मिलने वाली है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको चाहिए इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप भैया को कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। तो भैया जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हो सर्विस? ऑल ओवर पंजाब। तो भैया ऑल ओवर पंजाब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वैसे बेसिकली भैया लुधियाना से हैं, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो भैया से तो आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। तो व्यूअर बाकी जो डिटेल्स रहेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो मैं मिलूंगा व्यूअर जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।